और आप देख रहे कुशाग रूरल लाइव न्यूज चैनल। आइए ले चलते आपको मुख्य खबरों की तरफ। नाभी स्थान नेमावर में नर्मदा जी करती है विश्राम। श्री नर्मदा पुराण में भी गौ का सर्वोच्च स्थान। नेमावर नर्मदा की यात्रा का बीच का पड़ाव है, इसलिए इसे नाभी स्थान भी कहते हैं। यहाँ से भरूच और अमरकंटक दोनों ही समान दूरी पर है। पुराणों में इस स्थान की महिमा रेवाखंड के नाम से कहीं बार गाई जाती है। पीपलगंज खमला में चल रही कथा के पांचवे दिन यह कहते हुए दीदी माँ ने आज नर्मदा जी के उत्तर तट के घाटों का वर्णन करते हुए नेमावर की विशेषता को बताया। साध्वी जी ने अपनी कर्म भूमि नेमावर व कुछ ही दूर उनके गुरु स्थान वाग्य आश्रम के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ सिद्धेश्वर महादेव का महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर है, जिसे कौरवों द्वारा पूर्व दिशा में बनाया गया, पर बलशाली भीम अपने बल द्वारा उसे पश्चिम द्वार की तरफ रख दिया। दीदी मारे महेश्वर तीर्थ की महिमा को बताते हुए राजा सहस्त्रबाहु व रावण के प्रसंग को सुनाया, जहाँ पर और हनुमान जी पे बाण कैसे चलाते, बाण चलाने लगे। हनुमान जी ने ध्यान किया, ये साधारण योद्धा नहीं हो सकते, जरूर इसी किसी माँ के दूध की ताकत है। और हनुमान जी ने ध्यान किया, ये तो मेरे स्वामी के, मेरी माँ के दुख पिए हुए बालक है, वो माँ जिसने मुझे पुत्र का। हनुमान जी हाथ जोड़ते, लव कुछ हनुमान जी को बंदी बनाते। तो विश्वामित्र जी ने उनको आकर समझाए, राम जी वापस गए, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा घोड़ा घाट, क्योंकि लवकुश ने वहाँ राम जी के युद्ध के घोड़ों को पकड़ा। माँ जिसका नाम परमात्मा ने सीधा की के सब प्रकार से लवकुश में सिद्धि आ चुकी थी माँ की कृपा से, तो राम जी ने उस समय अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। पहले राजा महाराजा यज्ञ करते थे तो घोड़े के सिर पे चुनौती लिख कर छोड़ते, या तो देश देश के जितने राजा हैं इससे घोड़े के सिर की चुनौती को पढ़ के हमसे युद्ध करे, और युद्ध नहीं करे तो हमारी समर्पित। तो लव कुश ने जैसे घोड़े के सिर पे चुनौती देखी, उन्होंने कहा सबसे अच्छा स्वर्णिमा अवसर है राम से मिलने का, और माँ जानकी को क्यों त्यागा इसका बात करने का उन्होंने घोड़े को पकड़ा। देखते रहिए कुशाग रूरल लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।